बट ऐसे नहीं यहाँ पर प्लेसमेंट है नहीं, जिन कॉलेज को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वहीं जाना, उनमें से सुन लो, उसके अलावा कोई चुनोगे तो जय माता दी है। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो, जस्ट बिकॉज व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, जहाँ पर मैंने बोला कि भाई कौन सा कॉलेज, अगर आपका स्पॉन्सरशिप है तो कौन सा कॉलेज ज्वाइन करें, तो मेरी टीम में बोला सर आपने ये तो बता दिया कि जहाँ पर फीस कम है, अगर आपके स्पॉन्सरशिप है कंपनी की तो एक कम कॉलेज में फीस है तो हम बिल्कुल जाना प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि डीजी शिपिंग ने सर्टेन स्टैंडर्ड हर कॉलेज में रखा हुआ है। बट सर फिर ये भी बताइए कि सर क्यों किसी कॉलेज में फीस ज़्यादा है क्यों कम है। देखिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस आई में जाएंगे वहाँ पर सब जगह पर फीस सेम मिलेगी। हैविंग सेड दैट, वहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है कि प्लेसमेंट कैसा है। जैसे मैं बीटेक के लिए MERI कोलकाता, MERI मुंबई को प्रेफर करता हूँ, और अभी मैं उसका वीडियो बना के डालने वाला हूँ कि MERI मुंबई में इस बार कितना प्लेसमेंट रहा और MERI कोलकाता कितना रहा, तो आप अपने आप देखेंगे कि क्या स्टेटस हुआ क्या नहीं। बट हैविंग सेड दैट, वहीं पर बीटेक के लिए कोई एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पर फीस 20 लाख भी होगी, 25 लाख भी होगी। सो देखिए ये इस पर कंट्रोल नहीं है। डीजी शिपिंग ने बोला दिस इज अ सर्टेन स्टैंडर्ड दैट यू हैव टू मेंटेन, डन, ये तो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप उसको बेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर क्या क्या चीज़ रख सकते हो, आपका शिपिंग कैंपस कितना बढ़िया है, आपके वहाँ पर मशीन्स कैसी हैं, सिमुलेटर्स कैसे हैं, बच्चों की ट्रेनिंग कैसी है, ये तो मिनिमम है, इससे ऊपर आप जितना मर्जी करो। तो किसी कॉलेज ने बोला मुझसे और बेटर करेंगे, हम बच्चों की ट्रेनिंग और मेहनत करेंगे, हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हम खाना बहुत बढ़िया देंगे, हम रहने की सुविधाएँ बहुत अच्छी देंगे। उन्होंने बोला भैया अब ये सब फ्री में तो नहीं आता, उन्होंने बोला ये हम उसके साथ फीस भी बढ़ाएंगे। तो देखिए हम JMDI अकेडमी चला रहे, हमारी फीस बहुत ज़्यादा है भाई, सीधी सी बात है। IMACT कोचिंग हमारी फीस बहुत ज़्यादा है। अब कोई कम का तो रख सकता है, पर ज़्यादा का मेरी इच्छा है भाई, मुझे लगता है कि यार मुझे इसमें ही, मैं हॉस्टल कर रहा हूँ, ये चीज़ें कर रहा हूँ, ये खाने का दे रहा हूँ, तो मुझे भी लगता है। क्वेश्चन ये है कि क्या आपको वो सूट करता है कि नहीं करता, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज कीजिए कि आप एक परिवार से हैं जहाँ पर आपकी अच्छी IMACT रैंक है और आप मेहनती हैं और आपको पता है कि यार मैं नौकरी तो पाई लूँगा, तो यार अगर मैं किसी ऐसे कॉलेज पर मुझे फीस कम मिले, बट ऐसे नहीं यहाँ पर प्लेसमेंट है नहीं, जिन कॉलेज को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वहीं जाना, उनमें से सुन लो, उसके अलावा कोई चुनोगे तो जय माता दी है जब तक कि मैं ना बोलूँ। तो भैया उसमें अगर फीस कहीं कम है मर्चेंट नेवी डिकोडर में मैसेज करो, पूछ लो, अगर बाई चांस रिप्लाई ना करता एक्सपर्ट कौन से लो, 499 खर्च करो, आंसर मिल जाएगा, कॉपी गाइस, बट आंसर ले लो यार, डन हो गया पहली चीज। सेकेंड थिंग, वॉट इफ आपको पता चलता है कि यार अब मेरे पास ये सारे ऑप्शन खत्म हो गए, सस्ते वाले अब तो महंगे वाले बचे हैं, देन यू हैव टू सी यार महंगे वाले मैं जा क्यों रहा हूँ, इज इट वर्थ इट। यार अगर प्लेसमेंट 100% है या 98% है तो पहली बात तो नौकरी पक्की होगी, क्योंकि मर्चेंट नेवी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर अगर नौकरी नहीं है कॉलेज से निकलने के बाद तो बैंड बच जाएगी, कहीं के नहीं रहोगे, एजेंटों के चक्कर में फंसोगे, परेशान हो जाओगे। तो फिर भाई उस टाइम पे पैसे मत देखो, उस टाइम पे कॉलेज देखो, नौकरी तो चाहिए ही चाहिए। और अगर उस टाइम पैसे नहीं है तो फिर भाई एक साल ड्रॉप लो, अच्छी रैंक लेकर मेहनत करो, फिर सस्ते कॉलेज जहाँ पर फीस कम है प्लेसमेंट अच्छा है वहाँ जाओ। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है लाइफ का, तो ये कैलकुलेट करना यार यहाँ पर ज़्यादा क्यों कम क्यों तुम्हारा काम नहीं है भाई, वो मालिक है, मालिक की मर्जी, अब कल को मैं अपनी फीस बढ़ाना चाहूँ मेरी मर्जी, जय माता दी। हैविंग सेड दैट, क्या मैं वो वैल्यू दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सो नॉट नेमिंग एनी कॉलेज आउट हेयर, आप खुद जज कर सकते हैं। मैं बाकी चाहे वो BTech में हो, DNS में, BSc नॉटिकल साइंस में, हर कॉलेज का प्लेसमेंट धीरे धीरे करके डालने की कोशिश करूँगा, सो दैट यू गाइज गेट अपडेटेड एंड यू मेक योर ओन चॉइसेस। टॉप इट गाइज, इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम, गाइडेंस देना मेरा काम, सही एक्शन लेना आपका काम। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हाय गाइज, इफ यू हैव फाउंड द वीडियो रियली इन्फॉर्मेटिव देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी जान सके, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड, बिकॉज यही आपका सारा है। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, इफ यू गॉट एनी क्वेरी अबाउट जॉइनिंग मर्चेंट नेवी, इफ यू आर अ प्रोफेशनल, यू रियली वॉन्ट टू डू गुड इन लाइफ इन दिस करियर, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लॉग इन टू आवर वेबसाइट, दैट इज www.merchantnavydecoder.com, क्योंकि सारे आंसर्स वहीं मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।